वेल तो ही गाइस वेलकम टू द माय चैनल माय नेम इज पंकज। तो वेल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमें सेथ रॉलिंस एंड एज का सेगमेंट देखने को मिला। सो इन सारी थिंग्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वेल जैसा कि तुम लोग को बता दूं कि सेथ रॉलिंस मतलब पहले तो हमें रिटायर्ड सुपरस्टार एज का एंट्रेंस देखने को मिलता है। एंड एंट्रेंस के बाद तो मतलब जैसा कि कमर्शियल होने लगता है, मतलब स्मैकडाउन में कमर्शियल होता ही है, तो भाई कमर्शियल होने लगता है। तो वेल इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, जब कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस हम आते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि भाई सेथ तब तक अटैक कर चुके हैं एज के ऊपर। भाई मतलब बीच में ऐड दिखाना जरूरी था क्या? वेल यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने बहुत ही खतरनाक तरीके से जो कि एज के ऊपर अटैक किया एंड वहाँ पे एंट्रेंस का टाइम पे ही वो अटैक कर दिए रहते हैं एंड बहुत ही बुरी तरीके से। एंड इसके बाद से तो मतलब समझ लो एक टाइप का इंजर्ड ही कर दिया है। वेल इंजर्ड नहीं हुए लेकिन इंजर्ड टाइप का कर दिया है एंड बहुत ही बुरी तरीके से अटैक किया सेथ रॉलिंस ने और अपना पूरा गुस्सा जो उनका गुस्सा था उन्होंने पूरा गुस्सा निकाला। वेल इसके बाद तो फिर सेथ रॉलिंस जो कि मतलब उनको मेडिकल टीम ले जाती है एज को। वेल इसके बाद तो हमें सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आते हुए दिखा देते हैं एंड रिंग के अंदर आके वो बोलते हैं कि मैंने जो मतलब मेरी जो अपॉर्चुनिटी थी, मेरी पूरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जो कि एज ने छीन ली। एंड मैंने यहाँ पे जो कि उन्होंने वो क्लिप दिखाते हैं कि जहाँ पे उन्होंने एडम पीएस को बोला था कि मुझे चैंपियनशिप मैच चाहिए, लेकिन वहाँ पे एज आ जाते हैं एंड एज को वो चैंपियनशिप मैच दे देते हैं। सो वो सारी थिंग्स दिखाई एंड वहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया वहाँ पे सेथ रॉलिंस ने कि कैसे मेरे साथ फ्रॉड हुआ है एंड मेरे को वादा करके यहाँ पे मेरे को चैंपियनशिप मैच नहीं दिया गया, जो कि ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमें यहाँ पे सेगमेंट देखने को मिला। एंड सेथ रॉलिंस के जितने भी पॉइंट्स थे वो वैलिड पॉइंट थे। एंड वेल इसके बाद तो सेथ रॉलिंस ने मतलब एज को चैलेंज किया जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग था। एंड मैच हमें देखने को मिलेगा सेथ रॉलिंस वर्सेस एज का जो कि चैलेंज हो सकता है अगले हफ्ते एक्सेप्टेड। सो वेल भाई साहब मतलब बहुत ही बेस्ट सेगमेंट हमें देखने को मिला। तो वेल आपका क्या ओपिनियन इस थिंग के ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वेल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना कर सकते हो। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय। समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने आरकेओ था लगाया।